ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें तुमने समन और इर्तिज़ा भाई के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सब पागलपन था मेरा। इर्तिज़ा अगर समन को पसंद करता है तो ठीक है, मैं क्यों ऐसे बंदे के पीछे रहूं जिसने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की। अब अपनी सारी पिछली फीलिंग्स को याद करती हूँ ना तो बेवकूफी लगती है। ये शफीक अंकल घर में किसकी शादी है मामी? इर्तिज़ा और समन की। इर्तिज़ा की शादी हो रही है? हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था, आज से 4-5 महीने पहले उन दोनों की मंगनी हुई थी। वैसे सफीर, तुमने भी इस शादी पे चलना होगा मेरे साथ। हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी खानदान में शादी अटेंड किए हुए काफी अरसा हो गया। मैं तुम्हें वहाँ एक मकसद के लिए ले जाना चाहती हूँ। देखो बेटा, नाउ यू हैव अ गुड जॉब, माशाल्लाह तुम्हारी जॉब अच्छी है, तुम्हें अब लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। हो तो जानी चाहिए। मुझे सबा बड़ी पसंद है तुम्हारे लिए। शफीक अंकल की बेटी सबा? हाँ हाँ, तुमने 4 साल पहले उसको देखा था, बड़ी छोटी सी थी, अब माशाल्लाह बड़ी होगी और बड़ी प्यारी है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि वही मेरी बहू बने। मम्मी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते? जी, सोनिया नाम है उसका, मेरे साथ एमबीए किया है उसने, और अभी रिसेंटली इंडिया से फैमिली उसकी शिफ्ट हुई है अमेरिका में। सफीर, इतना कुछ हो गया, इतनी मुद्दत गुजर गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? मम्मी मैंने आपको बताना चाहा था लेकिन एक छोटा सा मसला था। क्या मसला था? वो अब वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत पसंद करती है, बस सिर्फ अभी कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम ले रही है। सफीर, अपने होशो हवास में हो तुम? किस कदर सुकून और इत्मीनान से मुझे अनाउंस कर रहे हो कि तुम एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते हो जो ना अहले किताब है और वो भी हिंदू? लेकिन मम्मी मैं उसे मुसलमान करके ही शादी करूंगा। जो सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए कन्वर्ट करेगी वो किस दिल से अपना मजहब बदलेगी? मैं अपने बेटे की फरमा बरदारी और सादतमंदी के डंके पीटती रहती हूँ, मुझे क्या पता मेरा बेटा क्या गुल खिला रहा है। देखिए मम्मी प्लीज, आप नाराज मत हो। सफीर, तुम मुझसे इस मामले में कोई बात मत करो, तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी मैंने तुम्हारे पीछे, मेरा हाथ थामने वाले भी बहुत थे लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। मैं सोचती थी मैं अपना घर आबाद कर लूंगी तो मासूम बच्चे का क्या बनेगा। अब एहसास होता है कि शायद मैंने गलती की और मैं कुछ बेहतर फैसला ले सकती थी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज आप आराम क्यों नहीं कर लेते? क्यों, आज ऐसी क्या खास बात हो गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और आपका बीबी भी आया हो गया था कल। मुझे तुम्हारे इस झूठे कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है सफीर। अगर मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगा आज, फिर कौन करेगा मम्मी? तुम्हारे अल्फाज बड़े बेमायने लग रहे हैं मुझे बेटा। अगर तुम ऐसे मुझसे मोहब्बत करने वाले और मेरा फिक्र करने वाले होते ना तो सर झुका कर कहते
कि मम्मी जो आपने मेरे लिए फैसला किया वो ठीक है। मम्मी आई लव हर, मैं प्यार करता हूँ उससे। प्यार का दावा तो तुम मुझसे भी करते हो, अब तुमने ये फैसला करना है कि कौन सा प्यार तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। तुम्हारी खामोशी से मुझे मेरा जवाब मिल गया। शाहीन मेरा पर्स और लैपटॉप उठाकर लाओ। कैसे लगे जोड़े आपको अम्मा? बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे। तुम्हें पसंद आए बेटा? जी। खुश रहो। हेलो, क्या हो रहा है? ओ, लगता है किसी की शादी हो रही है इस घर में। वो तो रही है, मेरे पोते की। देखो इर्तिज़ा, समन के जोड़े बन के आए हैं, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, समन से अच्छे नहीं हैं। बहुत अच्छे हैं। वाह, तुम बहुत ही अच्छे हैं। सोना नहीं है क्या? इतनी रात हो गई है, मुझे तो फजर की अजानें भी कुछ कुछ सुनाई देने लगी हैं। चलो अंदर रेस्ट कर लो। तुम्हें उदासी नहीं हो रही सबा? किस बात की उदासी? तुम्हारी और मेरी इधर आज आखिरी रात है। सारी जिंदगी बहन देखी नहीं थी, पर ये भी एहसास नहीं था कि फीलिंग्स को शेयर करना क्या होता है। वहां पर इकलौती जो थी और इस ट्रैजिक मोमेंट के बाद तुम मेरे सहारे आई और तुमने मेरे आंसू पहुंचे। मिस ड्रामा क्वीन, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम किसी दूसरे घर रुखसत होके जाए। यही तो हो तुम हमारे पास। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी सबा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ सुनो।
लगता है आज बहुत आंसू बहेंगे। हेलो, ऐसे मौकों पर आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट ही होती है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपकी आंखों के आंसू आपकी मुस्कुराहट से ज्यादा गहरे? आंखों पर मत जाए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। साथ देंगे मेरा? बल्ले बल्ले नीटोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले नीटोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलती मरोड़ा नहीं हो चलती, टोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलती मरोड़ा नहीं हो चलती, टोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले। Let's go.
समन शफीक बिन्त शफीक अहमद, आपका निकाह इर्तिजा गजनफर वल्द गजनफर अली के साथ हक महर 15 लाख रुपए पाकिस्तानी तय पाया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। समन शफीक बिन्त शफीक अहमद, आपका निकाह इर्तिजा गजनफर वल्द गजनफर अली के साथ हक महर 15 लाख रुपए पाकिस्तानी के साथ तय पाया, क्या आपका ये निकाह कबूल है? कबूल है। समन शफीक बिन्त शफीक अहमद, आपका निकाह इर्तिजा गजनफर वल्द गजनफर अली के साथ हक महर 15 लाख रुपए तय पाया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कैसी लगी तुम्हें सबा? आपको कैसी लगी? बहुत प्यारी। तो फिर प्यारी होगी। तो फिर क्या मैं शफीक और मलिया से बाकायदा रिश्ते की बात करूं? जी मम्मी, जैसा आप बेहतर समझे। आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है, आपसे ज्यादा कौन इम्पोर्टेंट है मेरी? अभी शायद तुम सिर्फ मेरी खुशी की खातिर मान रहे हो, अगर आने वाला वक्त साबित करेगा बेटा कि जो मैं तुम्हारे लिए चुन रही हूँ वो हीरा है।
जी मैम। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो कैसा लगा था मुझे? कैसा? जैसे परियों के देश की एक शहजादी है जो रास्ता भूल के इस दुनिया में आ गई है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने काफी लाइनें याद की थी, पता नहीं सिर्फ यही याद रह गई। अगर आपको अपनी लाइनें याद नहीं तो मैं कुछ कहूं? हाँ प्लीज। जब मैंने आपको पहली दफा देखा तो ऐसे लगा जैसे दुनिया रुक गई, दिल की धड़कनों का रुक जाना। जानते हैं क्या होता है? वाह, तुम्हें तो अपनी सब लाइनें याद हैं। लेकिन तुम्हें देख के मैं सब कुछ भूल गया। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ इस वजह से? इसलिए भी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं सिर्फ आपकी हूं इर्तिज़ा। थैंक्स, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो और हमेशा मेरी रहना प्लीज। अरना मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। सबा मेरी जान, उठो मेरे बच्चे, उठो बेटा। सुबह हो गई बेटा,
प्लीज कल रात के बारे में मुझे मत कुछ कहिएगा। पता नहीं पागलपन में मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं अपने हवास खो बैठी थी। सबा, कल तुमने जो कुछ मेरे सामने कहा है बेटा, अब जिंदगी में कभी किसी के सामने ना कहना, हवास में रहकर या हवास खोकर, किसी के सामने नहीं। लड़की की इज्जत बड़ी नाजुक होती है बेटा, छोटी सी बात जिंदगी भर का बदनामा दाग बन जाती है। तुम्हारे सामने तो अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है मेरी चंदा। और हां, एक बात और बहुत अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, इर्तिजा से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है, वो तुम्हारा बहनोई है, तुम्हारी बहन का शौहर। तुम्हें इस रिश्ते को कबूल करना होगा सबा। मेरे बच्चे अपने लिए बदनामियां और रुसवाइयां मत समेटना। वालेकुम सलाम। सुना है कल निकाह और रुखसती में कई लीटर आंसू बहा दिए तुमने। इतनी मोहब्बत है समन से, मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करती हो समन से। जी कमान यार, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तो बड़ी ज्यादती है वैसे। हाँ मगर वो मेरी बहन है और आप सिर्फ मेरे दोस्त। चलो जैसे तुम्हारी खुशी, तुम मुझसे मोहब्बत करो या अपनी बहन से, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना। मैं अंदर जाऊं? हाँ जाओ, समन तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। फुर्सत मिल गई तुम्हें अपनी बहन से मिलने की, बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल शहजादियों की तरह। लगता है तुमने और इर्तिजा ने शहजादी का टाइटल मिलके चूज किया मेरे लिए। सबा तुम रोई हो क्या? पागल हो तुम? रोई तुम बेवकूफ ना बनाकर,
मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही तुम्हारे पास। जानती हूँ। और ये क्या तुम्हारे हाथ पे स्क्रैचेस पड़े हैं? कुछ नहीं, कल रात चूड़ियां उतारते वक्त लग गए होंगे। नहीं, कैसे आ गए स्क्रैचेस? तो इतनी जल्दी क्या थी चूड़ियां उतारने की? दिखाओ कांच ना रह गया हूँ। यार कोई कांच वांच नहीं लगा है, तुम्हें बता रही हूँ ना। सबा यू आर सो केयरलेस, जाके फौरन इसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा के। अच्छा बाबा, अभी जाके ऑइंटमेंट लगाती हूँ। और कुछ? ये बना लिए सारे, नीचे ले लो। चलो अपना ख्याल रखना मैं, अल्लाह हाफिज। पहुंच गए बच्चे खैर से? हाँ पहुंच गए, आगे स्कॉटलैंड का भी प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। इन लोगों के जाने के बाद घर कितना सूना लग रहा है। ठीक कह रही हो, वाकई में पहले शादी की इतनी रौनकें रही, अब इर्तिज़ा और समन के जाने के बाद तो वाकई घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। ये सबा कहाँ है, आवाज नहीं आ रही इसकी? अपने कमरे में पढ़ रही है। समोसे बहुत अच्छे आपने बनाए। अब तो तुम्हारी बीवी बहुत अच्छे समोसे बनाती है। अच्छा। नहीं नहीं, समोसे अम्मा ने बनाए। ये क्या बात है, आप इनका नाम ले रही है और ये आपका नाम ले रही है? मेरी बहू जो है, मैं उसको पीछे कैसे छोड़ दूं? वेरी गुड। अम्मा आपने मुझे बुलवाया था? कितनी बुरी बात है बेटा, कल भी समन का फोन आया, तुमने बात नहीं की, आज भी तुम बात नहीं कर रही हो, और वो तुम्हारे मोबाइल पे फोन करती है तो तुम फोन नहीं उठाती हो। अम्मा प्लीज, मैं अपना हनीमून नहीं मना रही, मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे पढ़ना है, और वैसे भी ये थोड़ी जरूरी है कि जब वो कॉल करे मैं उससे लंबी लंबी बातें करूँ। बुरी बात है बेटा, तो चार मिनट बहन से बात कर लोगी तो क्या हो जाएगा, बाद में पढ़ाई कर लो अपनी। ठीक है, मैं बात कर लूंगी, अब जाऊं? जाओ, लेकिन बात जरूर कर लेना। ठीक है। आज घर में बड़ी खामोशी लग रही है। अरे हाँ बेटे, बच्चे जो चले गए हैं सब, जफर तो शादी के तीसरे दिन चला गया, फिर इर्तिज़ा और समन भी चले गए घूमने फिरने के लिए। कहाँ गए ये लोग हनीमून के लिए? गए तो अमेरिका ही हैं, क्योंकि समन चाह रही थी कि जाके घर को दोबारा देख ले, अपने दोस्तों से मिल ले। चार दिन शादी की इतनी रौनकें रही हैं, सबके चले जाने के बाद घर इतना खाली खाली हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ले दे के एक सबा रह गई है घर पे, और उसे भी अब मैं ज्यादा अरसा आपके पास रहने नहीं दूंगी। अच्छा। खाला भी, मैं आज आपके पास यही बात करने आई हूँ, आप सबा को मुझे दे दें, मैं सबा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, मुझे बचपन से ही सबा बहुत पसंद है, मैं जब भी इसे देखती थी ना, मुझे लगता था यही लड़की मेरे सफीर की दुल्हन बननी चाहिए। सबा के सिवा मुझे कोई और लड़की सफीर के लिए जचती नहीं, और आप यकीन करें मैं सफीर के रिश्ते के लिए अभी तक कहीं भी नहीं गई। मैंने कब से दिल में तहैया किया हुआ था कि मैं सबा का हाथ मांगूंगी अपने सफीर के लिए। खैर ये तो तुम्हारा प्यार है बेटा सलमा,
और हमें भी सफीर बहुत पसंद है, हमारी नजरों के सामने पला बड़ा है माशाल्लाह। और फिर सबा के लिए सफीर से अच्छा रिश्ता तो हो नहीं सकता, लेकिन सबा भी जरा छोटी है। अगर तुम कुछ साल रुक सकती हो तो रुक जाओ। खाला भी मैं इसे क्या समझूं, आप मुझे इनकार कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, इनकार क्यों कर रही हूँ, बस मैं तो थोड़ा सा वक्त चाह रही हूँ तुमसे। अगर इंतजार की बात है तो मैं 2 साल के बजाय 2.5 साल भी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाला भी आपको मुझे यकीन दिलाना होगा कि सबा मेरी ही बेटी बनेगी, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। देखो सलमा बेटे, ये रिश्ते नाते जो है ना, ये हम इंसान नहीं बनाते, ये आसमानों पर तय होते हैं। अगर इन दोनों की किस्मत में एक होना लिखा है तो ये शादी जरूर होगी इंशाल्लाह। वैसे तुम अपने दिल में इत्मीनान रखो, हम लोगों को सबको सफीर बहुत पसंद है। फिर मैं तकदीर पर भरोसा करके 2 साल इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। आप यकीन करें, सबा को अपनी बहू बनाने के लिए मैंने इस कदर दिल से चाहत की है कि मुझे यकीन है कि सबा मेरी ही बेटी बनेगी। इंशाल्लाह, अगर इनके नसीब में है तो जरूर इंशाल्लाह।